और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। झारखंड में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 133। ब्लैक फंगस से 80 मामलों की पुष्टि हो गई है। ब्लैक फंगस के 53 मामले हालांकि अभी फिलहाल संदिग्ध है और अब तक ब्लैक फंगस से 26 लोगों की मौत भी हुई है झारखंड में। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। 53 मामले हालांकि इसमें से संदिग्ध हैं, लेकिन बाकी मामले जो है वो उसकी पुष्टि हुई है और 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। बता दें कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रखा, जिसका मतलब होता है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज होंगे उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार ही वहन करेगी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इलाज वहन करने से क्या होगा, इस महामारी से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए आपको खुद सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात आपको सबको पता है कि डायबिटिक मरीजों को ब्लैक फंगस होता है, सरकार आपको राहत दे देगी, इलाज का खर्चा आपका नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी तो आपकी। ऐसे में डायबिटिक पेशेंट इस बात का ख्याल रखें। लेकिन देखिए किस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।